नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ PIDO के स्पीकर, जो कि DJ के लिए बहुत ही अच्छा स्पीकर है। और ये जो स्पीकर के मॉडल नंबर आप देख सकते हैं P150226, जो कि मेड इन थाईलैंड प्रोडक्ट है और 15 इंच का यह स्पीकर है। और DJ के लिए बहुत ही अच्छा स्पीकर माना जाता है और DJ के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। और इसका आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रिव्यू और देखेंगे छोटा सा साउंड टेस्टिंग वीडियो, और साथ ही साथ मैं इसका आपको प्राइस भी बताने वाला हूँ। और बात करेंगे 4 स्पीकर को चलाने के लिए और 8 स्पीकर को चलाने के लिए बेस्ट रिकमेंड एम्पलीफायर कौन सा रहेगा, और ये भी जानेंगे कि स्पीकर ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, सभी चीज़ वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इससे पहले जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप देख सकते हैं स्पीकर के सीरियल नंबर जबकि कार्टून में देखने को मिलेगा, और आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेम सीरियल नंबर आपको स्पीकर में भी चेकिस में देखने को मिलेगा, जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि यह स्पीकर ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्पीकर के कुछ स्पेसिफिकेशन। तो नॉमिनल डायमीटर आप देख सकते हैं 15 इंच है। पावर रेटिंग की बात करें तो 1000 वाट यस पावर में आता है। अगर स्पीकर को आवर एमएस पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 700 वाट का यह स्पीकर है। और नॉमिनल इंपेडेंस इसका हो जाता है 8 ओम, और सेंसिटिविटी 97 भी देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं 40 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, जो कि बहुत ही अच्छा है। चेसिस टाइप की बात करें तो कास्ट एल्युमिनियम का देखने को मिलेगा। मैग्नेट टाइप की बात करें तो फाइट का मैग्नेट रखा गया है। और वॉइस कॉइल की बात करें तो 99.3 mm यानी कि 4 इंच का इसका वॉइस कॉइल है। और नेटवर्क की बात करें तो 10.4 kg देखने को मिलेगा। और बहुत ही अच्छा स्पीकर है, आप DJ के लिए अपना हैवी टॉप इस स्पीकर से आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका मैग्नेट में सभी चीज़ मेंशन किया गया है, 1000 वाट लिखा है और 8 ओम का इसका इंपेडेंस हो जाता है। और PIDO के स्पीकर भी बहुत ही अच्छे होते हैं, जाना माना प्रोडक्ट है, आप इससे अपना हैवी टॉप बना सकते हैं। और फोम भी अंदर में लगाया गया है, धूल डस्ट अंदर ना जाए करके। और ये जो स्पीकर है बहुत ही अच्छा स्पीकर है और बहुत अच्छा फिनिशिंग है, मैग्नेट साइज आप देख सकते हैं। और चलिए इसे हम लोग अभी हटा लेते हैं और बाहर लाकर देखते हैं कि पेपर कौन इसका कैसा है। अगर आप इस स्पीकर को इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका रिजल्ट आपको कैसा मिलता है, और स्पीकर को चलाने के लिए 4 स्पीकर 8 स्पीकर को चलाने के लिए आप कौन से एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो देख सकते हैं इसका पेपर कॉन बहुत ही हार्ड है और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ, और 3 लेयर में आपको इसका पेपर कॉन देखने को मिलेगा। और बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको हाई क्वालिटी के मिड क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा। और इसका स्पाइडर भी देख सकते हैं येलो कलर में, बहुत ही अच्छा है, प्यारा लुक है। और हाई क्वालिटी की इसमें आपको मिड और बेस मिलने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको पहले बताया था कि सीरियल नंबर, तो ये जो सीरियल नंबर आप देख सकते हैं और सेम सीरियल नंबर आपको इस कार्टून में देखने को मिलेगा, जो कि ओरिजिनल का पहचान है, इससे आप पहचान कर सकते हैं। और डुप्लीकेट में ये सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ भी आपको PIDO देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये भी ओरिजिनल का पहचान है। और यहाँ पर आप अपना कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पीकर है। और इसका कनेक्शन तार भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं करके बस तार, आसानी से ख़राब होगा नहीं, आसानी से जलेगा नहीं, बहुत ही अच्छा स्पीकर है। और पेपर कॉन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा तगड़ा आपको इसमें आउटपुट मिलने वाला है। और बैक साइड भी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ भी आप पहचान कर सकते हैं ओरिजिनल और डुप्लीकेट को, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे इसमें भी आपको PIDO का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। और बात करते हैं 4 स्पीकर को चलाने के लिए और 8 स्पीकर को चलाने के लिए कौन सा बेस्ट रिकमेंड एम्पलीफायर रहेगा, तो देख सकते हैं ये इसका 3रा वर्जन है PIDO का, और अभी नया है स्पीकर। और मैं जो वीडियो में अभी आपको बता रहा हूँ ये ओल्ड मॉडल का स्पीकर है, और इसके लिए हम लोग एम्पलीफायर लिए हैं 4 स्पीकर को चलाने के लिए, आहूजा का LX4500, जिस पर आप पर चैनल 2 स्पीकर चला सकते हैं 4 ओम पर, और बहुत अच्छे से चलेगा। और बात करते हैं 8 स्पीकर को चलाने के लिए, तो 8 स्पीकर को चलाने के लिए आप कोई भी 6000 वाट के एम्पलीफायर खरीद सकते हैं, जो कि 2 ओम पर फुल स्टेबल हो। यहाँ पर मैं आहूजा के LX6000 ले रहा हूँ, जो कि 2 ओम पर दे रहा है 3000 वाट का पर चैनल। तो पर चैनल आप इसमें 4 स्पीकर चलाएंगे, बहुत अच्छे से चलेगा और हेड ओम भी बच जा रहा है। और बात करते हैं इस स्पीकर के प्राइस की, तो यह स्पीकर का प्राइस मेरे मार्केट में 11000 रुपये में मिल जा रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके एरिया में क्या प्राइस चल रहा है इसका,
और 4 स्पीकर 8 स्पीकर को चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर आप इस्तेमाल करते हैं, और देखते हैं छोटा सा साउंड टेस्टिंग वीडियो। हेडफोन लगा लीजिए।